राम राम जी सभी को। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, जैसे कि हमने 2019 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनको सोल्व करने की जो एक सीरीज स्टार्ट की है, उसी को लेकर आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे। और आज सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहता हूं मैं अपने उन दोस्तों का, उन मित्रों का, उन भाई बहनों का जो मुझे लगातार जो वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद वो अपने कमेंट करते हैं। और जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उनके कमेंट देखता हूँ तो मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मैं आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा क्या है कि मोटिवेट होता हूँ। और आपके जो कमेंट पढ़ता हूँ उसी कमेंट के बाद मुझे ये होता है, जुनून सा पैदा हो जाता है कि कल की वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो लगभग किसी किताब के अंदर नहीं भी मिलते होंगे या किसी कोचिंग संस्थान में नहीं करवाए जाते होंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बार बार लेकर आता हूँ और विस्तार से उनके ऊपर गहनता से चर्चा करता हूँ। तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो जो कमेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं वो कमेंट सारे के सारे हमारे मित्रों ने भेजे हुए हैं। और कमेंट में मैं कुछ से एक मित्रों के नाम भी लेना चाहता हूँ, सभी के नाम पॉसिबल नहीं होंगे लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी कॉमेंट किया है, वीडियो को देखा है, लाइक किया है। तो मैं कुछ एक नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। सन्नी सैनी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने देखो कितना अच्छा कमेंट किया है। एक हमारे मित्र हैं जय भगवान शर्मा, पूजा सिंह है, पुष्कर पंवार जी हैं राजस्थान से, पुष्कर पंवार जी जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी आपका। सालू धनकड़ है, मानी ढुल है, साहिल काकर है, सन्नी कुमार है, रोहित कुमार है, अमित गौतम है, इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है, मैंने इनका कमेंट पढ़ा, आप बार बार यहाँ कमेंट देख भी पा रहे हैं। और ममता गौर है, इन्होंने भी बहुत ही सारे कमेंट किए हैं और इन्हीं के कमेंट्सों से बार बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बार बार मोटिवेशन होता हूँ। और जैसे ही मैं मोटिवेट होता हूँ तो आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ तो अगले एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होंगे, कारगर साबित होंगी, एक मील का पत्थर साबित होंगी। और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं जैसे पंकज अहलावत हैं, निर्मला देवी हैं, पिंकी रानी है, रिंकू शर्मा है, प्रीति यादव है, संकल्प जांगिड़ है, जय भगवान शर्मा, इन सब के कमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनको कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने केवल एक बात करनी है, वीडियो को देखने से पहले बस मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक देख लेना। आप जिस भी तरीके से देखें, नॉर्मल स्पीड पर देखें, स्पीड को बढ़ाकर देखें, वो सब आप स्वतंत्र हैं। आज आपने केवल एक बात करनी है कि जैसे ही आपकी वीडियो खत्म हो जाए, आप वीडियो देखेंगे और वीडियो खत्म हो जाए तो आपको केवल एक ही चीज करनी है कि एक ने हमारे मित्र ने केवल एक सब्सक्राइब करवाना है और वीडियो को शेयर करना है, केवल एक सब्सक्राइब अपने घर परिवार में, अपने मित्र मंडली में, अपने किसी रिलेटिव के पास केवल एक सब्सक्राइब करवाना है और कुछ भी नहीं करना। तो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इसी से आगे आज के क्वेश्चन सोल्व कर मतलब शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। बहुत ठीक ठाक अच्छा सा क्वेश्चन है और इसके बारे में सबको पता तो होगा उत्तर क्या होगा। स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति, तो साथियों मित्रों इसका उत्तर आपको सभी को पता होगा क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन दे रखे हैं किसनकांत, ऑप्शन दे रखे हैं गोपाल पाठक, ऑप्शन दे रखे हैं KR नारायण। तो मैं इसी के साथ आपको यहां से थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। इस क्वेश्चन का पहले तो उत्तर जान ले क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, दो कार्यकाल लगातार रहे थे इनका, दो कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था।
पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे और सी वी रमन थे। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है इनको लेकर अगले एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या संभावना है। तो उपराष्ट्रपति जो है, पहले तो यही ले लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया था। तो इनका जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया था, तो साथियों वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको भारतीय संविधान के अंदर डाला गया था। उपराष्ट्रपति जो है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। ये अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में है। और अनुच्छेद 63 में केवल ये बात लिख दी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में इसी बात को आगे बढ़ा दिया और क्या कह दिया कि भारत का जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि एक पद पर रहते हुए कोई दूसरा पद धारण कर लेना क्या कहलाता है, पदेन कहलाता है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति के साथ साथ क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर भी सभापति का पद लेते, इसी कारण इनको पदेन सभापति कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का वेतन कई बार पूछ लिया जाता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति जो भी वेतन लेते हैं वो हमेशा राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या लेते हैं, अपना वेतन प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं कर रखा। उसके बाद देखते हैं कि कौन व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए योग्यता क्या होगी, भारत का राष्ट्रपति बनने के उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होगी। तो नॉर्मल सी बात है, पहले तो किस अनुच्छेद के अंदर इस बात का उल्लेख दे रखा है, अनुच्छेद 66 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसकी योग्यता क्या होगी। तो मोटी मोटी बात का आप सबको थोड़ी सी बारीकी से जान लेते हैं। नंबर एक योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ही सी शुड बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सबको पता ही होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी भी आपको सबको पता होगा कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बस तीसरी और चौथी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी बात है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस जो है लाभ का पद है उस पे नहीं होना चाहिए। और नंबर चार क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो केवल और केवल राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का उल्लेख दे रखा है, इनकी योग्यता को लेकर अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में एक बात का और उल्लेख कर दिया, और किस बात का, कि इसका उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा इलेक्ट्रो कोलेजियम होगा, उस बात का उल्लेख कर रखा है। और किस बात का उल्लेख कर दिया, यहाँ पर इनके चुनाव की जो विधि होगी, यानी चुनाव किस विधि से किया जाएगा उसका भी उल्लेख है। और चुनाव जिस विधि से किया जाता है, एकल संक्रमीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का जो है उसके लिए चुनाव करवाया जाता है। चुनाव करवाता कौन है, चुनाव आयोग करवाता है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का भी उल्लेख है। और क्या बातें रहेगी, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें पीठासीन अधिकारी यानी इसी को कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन कई बार हो सकता था इंग्लिश वाली टर्म हिंदी में आ जाए, रिटर्निंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं राज्यसभा लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा का जो महासचिव होता है,
तो आप कहेंगे क्या दोनों होते हैं? राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो महासचिव होता है वो इसमें पीठासीन अधिकारी होता है। क्या दोनों के पीठासीन अधिकारी एक ही बार उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मान के चले कि इस बार लोकसभा के महासचिव ने पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया था, तो अगला जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी आ जाएगा, उससे अगले में फिर लोकसभा फिर राज्यसभा, इस प्रकार से अल्टरनेट चलते हैं। तो वर्तमान के अंदर राज्यसभा जो है इसके महासचिव कौन है और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है जिनका नाम है, यहां पर पूरा नाम लिख देता हूं, देश दीपक वर्मा, और लोकसभा के महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव वो है पीठासीन अधिकारी, सॉरी लोकसभा की महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, और लोकसभा में पहली बार महिला महासचिव बनी है स्नेहलता श्रीवास्तव। इससे अलग भी पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको क्वेश्चनों को बार बार बाद में पढ़ेंगे, और कब पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल साइंस में हम उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इनके निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इनकी निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है, तो संसद के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सदस्य, यहाँ का मतलब संसद के सदस्य का मतलब, संसद के तो दो सदन है, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है, तो राज्यसभा और लोकसभा इनके सभी निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। राज्यसभा के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं और राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं, तो इस हिसाब से 790 सदस्य कौन हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, इन 545 में से दो सदस्य वो थे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अब ये दो सदस्य मनोनीत जो हैं इनका प्रावधान खत्म कर दिया, तो ये 545 सदस्यों में से दो सदस्य तो मनोनीत ही नहीं होंगे, और जो मनोनीत नहीं होंगे तो चुनाव में भाग किस प्रकार से लेंगे? तो कोई बात नहीं, इसका डाटा 788 कर देना, दो सदस्य भाग नहीं लेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर ये आएगा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत और निर्वाचित, तो आपका उत्तर क्या होगा कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। कितना भाग लेते हैं ये नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोल डिहवा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? और पिछला जो क्वेश्चन था एसएससी सीपीओ के अंदर 2019 में पूछा जा चुका है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल डिहवा जो है ये स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दे रखे हैं महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोल डिहवा, कोल डिहवा ये स्थल है कहाँ पर, ये पूछा गया था, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद, इस इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद के समीप या इसको प्रयागराज के समीप जो है वो कोल डिहवा जो स्थल है ये स्थल है। इस स्थल से क्या खास बात मिली थी, यह एक तो बात ये देख लें, नवपाषाण, नवपाषाण काल के दौरान, हम पाषाण काल को बिल्कुल इतिहास के अंदर पढ़ेंगे और पाषाण काल की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बस आपने आज एक काम करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और देखने के बाद इसको शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब, ये सोचकर कि ये मुझे केवल एक सब्सक्राइब करवाना है, सब अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा काम बन जाएगा और हम वीडियो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो करेंगे, लाइव वीडियो करेंगे। तो नवपाषाण काल जो है, इस नवपाषाण काल में धान, धान या फिर इसको चावल कह सकते हैं, धान के प्राचीनतम साक्ष्य, धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहां से मिले थे, तो वो मिले थे कोल डिहवा से। कोल डिहवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज के समीप, यही पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का
पहला वायसराय नियुक्त किया गया है। ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया है, सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था 9/7/2019 को, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मेयो। तो ये चार ऑप्शन है। तो ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय को नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय जो नियुक्त किया गया था वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को किया गया था, ठीक है। उसके बाद समझना क्या है कि कंपनी के अधीन जो पहला गवर्नर जनरल बना था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उस बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम क्या है, एक बार इसको रख देता हूँ मैं। बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं ये 1772 से लेकर 1785 तक क्या रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे। कई किताब में ये 1272 की जगह 73 हो जाता है, तो कोई बात नहीं, 72-73 ही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और देखेंगे कि ये तो था बंगाल का गवर्नर जनरल, जो वारेन हेस्टिंग्स था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद अगर बात करें कि बंगाल के गवर्नर जनरल तो था, इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया और उसको बंगाल के स्थान पर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, वो व्यक्ति कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो 1828 से 1835 तक रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो 1828 से ये 1828 से लेकर और 1835 तक क्या रहा था, भारत का गवर्नर जनरल रहा था। उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1856 में क्या बनाए थे, 1856 में ये कैनिंग क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल बन गए थे। मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ, गवर्नर जनरल बन गए थे। जब ये 1856 से लेकर 1858 का समय आया था, तो 1858 का जो अधिनियम आया था उसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, तो गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद डाल दिया, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया और उसके स्थान पर नया पद कर दिया वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1856 से रहे थे और 1862 तक क्या रहे थे, ये गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों रहे थे। 2 साल तो ये गवर्नर जनरल रहे थे और 1858 से लेकर 1862 तक 4 साल ये क्या रहे थे, वायसराय रहे थे। तो भारत का यही पूछा गया था पहला वायसराय कौन था, तो 1858 के बाद वायसराय हो गया था, पहला वायसराय 1858 में कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक क्या रहा था, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों रहा था। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय या गवर्नर जनरल भी मिल जाता है, अगर गवर्नर जनरल मिल ऑप्शन में मान लो क्वेश्चन में मिल भी जाए, तो हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को चार ऑप्शन में से उत्तर क्या दिया जाए, और बाद के अंदर देखेंगे कि गलत था कि ठीक था, गलत था तो आरटीआई लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्या करेंगे, वो तो बाद की बात थी। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतनी चीज़ें नहीं समझनी, क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, बस उसको पढ़ा रही है, सोचे चार ऑप्शन में से अभी इसका उत्तर क्या बता सकते हैं। तो वायसराय देखेंगे तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे। और स्वतंत्र भारत का अगर ये पूछा जाए कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो सी राजगोपालाचारी
सी राजगोपालाचारी। अगर ये पूछे कि भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। अंग्रेज की बात करें तो माउंटबेटन थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, उस सागर सॉरी निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है। BRICS इस समूह का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया था। कईयों के दिमाग में तो क्वेश्चन आ भी गया होगा कि ब्रिक्स जो है, इस ब्रिक्स के अंदर पांच देश हैं वर्तमान के अंदर, और उन्हीं पांचों देशों का पहला लेटर उठा रखा कैपिटल लेटर का, बी से ब्राजील बन जाएगा, आर से रसिया बन जाएगा, आई से इंडिया बन जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका बन जाएगा। ये जो शुरू में BRIC, ये BRIC बना था 2006 में। जब BRIC बना था तो इसमें केवल चार देश थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो उसके बाद ये पांच देश हो गए, पांच देशों के समूह को कहा गया ब्रिक्स। अब पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स का 2019 के अंदर जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, जो समिट होनी थी, वो कहाँ पर हुई थी, तो ब्राज़ील के अंदर हुई थी, ब्राज़ील में। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको एक बात का पता चल गया कि 2019 में कहाँ हुआ था, तो आपसे 2020 पूछे तो बता सकते हैं, 2021 पूछे तो बता सकते हैं, 2022 पूछे तो भी आप उत्तर बता सकते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन अगर पूछा जाए कि 2019 में कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। अगला सम्मेलन हमेशा बी से अगला लेटर होगा, तो अगला सम्मेलन कहाँ होगा 2020 का, आप सब बता सकते हैं। 2020 जुलाई 2020 के अंदर ये प्रस्तावित है, और जुलाई को आने में अभी एक महीना जून का 20 का बचा हुआ है। हो सकता था कोरोना महामारी जो है, ये वैश्विक स्तर पर जो महामारी बनी है, हो सकता था इसको मद्देनजर रखते हुए सम्मेलन आगे भी जा सकता है, लेकिन अभी तक जो प्रस्तावित था उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये रूस के अंदर प्रस्तावित था। इसके बाद आप बता सकते हैं रूस से अगला आई आता है, आई से इंडिया। तो 2021 में जो प्रस्तावित होना था वो कहां पर होना था, भारत में या इंडिया के अंदर होना था। अगला आप बता सकते हैं चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद ये सीरीज फिर से स्टार्ट हो जाती इस प्रकार से, बस ये ध्यान रखना था। उसके बाद 2014 के अंदर एक चीज और ध्यान रखने, 2014 के अंदर ब्रिक्स के अंदर जो देश थे पांचों देश, इन पांचों देशों ने अपना एक बैंक बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, और वो प्रस्ताव जो थे वो 2014 में आया था, और 2015 के अंदर ब्रिक्स का जो बैंक बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना था, वो बैंक जो है 2015 के अंदर स्थापना कर दी गई थी। बस इतने सारे फैक्ट जानने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल है भाई साहब, दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका बनता है। दूसरा ऑप्शन भारत, बिल्कुल सही, भारत इसका सदस्य है। तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तो इन पांचों लेटर में से ए कहीं पर भी नहीं है, और ए है तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी नहीं बनता, और यहाँ पर ए लेटर दे ही नहीं रखा, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यही पूछा। चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील, ब्राज़ील सदस्य है, नहीं पूछा गया था कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जो एशिया, लिख देता हूं एक बार, उस सागर का नाम बताएं जो एशिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन निकलने की संभावना होती है, और इस बार थोड़े से क्वेश्चन इसलिए बन जाएंगे क्योंकि जब कोरोना महामारी जब नहीं देखने को मिल रही, सुनने को मिल रहे थे हमारे भारत के अंदर, जब एक भी केस नहीं मिला था कोरोना संक्रमित, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये देश कहीं ना कहीं जरूर चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम ज़्यादा होती है, पेट्रोलियम कच्चा तेल ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये वहाँ पर लगातार चर्चा में चल रहा था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस सागर का नाम बताएं जो एशिया, और एशिया में देश का नाम कोष्टक में दे रखा है सऊदी अरब, जो सऊदी अरब और अफ्रीका, और अफ्रीका का देश का नाम दे रखा है मिस्र, मिस्र को अलग करता है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा लाल सागर। ये आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जेके बाई मंजीत सिवाल, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपके पास टेलीग्राम की ऐप है तो आप वहां डायरेक्ट सर्च करके चैनल का नाम भी खोज सकते हैं, तो लाल सागर आ जाएगा। अब ये सीएचएसएल का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां से क्वेश्चन
क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि लाल सागर, जब आप अफ्रीका महाद्वीप को इस प्रकार से देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से दिखाई देगा, और जब अफ्रीका महाद्वीप आपको इस प्रकार दिखाई दे ही देता है तो यहाँ से इस प्रकार से कुछ मैप दिखेगा। तो लाल सागर जो है, ये लाल सागर और यहाँ से जब भूमध्य सागर आ जाता है, यहाँ मैं इस लाल सागर को यहाँ से मिटा देता हूँ, भूमध्य सागर आ जाता है, यहाँ से ये धरातल जुड़ा हुआ है। अगर इस धरातल को यहाँ से एक नहर के द्वारा खोल दिया गया था, उस नहर का नाम क्या था? उस नहर का नाम था स्वेज नहर। स्वेज नहर, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो यहाँ तो लाल सागर है, ये भूमध्य सागर, तो लाल सागर को किससे जोड़ती है? यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर ये लाल सागर है, तो लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। और क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यहाँ पर तो लाल सागर है और यहाँ पर पूरा जो पानी भरा हुआ है वो है तो हिंद महासागर का, लेकिन यहाँ का जो हिस्सा इधर है, उस हिंद महासागर के हिस्से को यहाँ तो अरब सागर कहा गया था, और उसी अरब सागर में यहाँ एक खाड़ी पड़ती है, अदन की खाड़ी। अब अगला क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा कि यहाँ तो लाल सागर है और यहाँ अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी जो है वो लगभग क्या है कि यहाँ अरब सागर का ही भाग है, और अरब सागर खुद भी क्या है? हिंद महासागर का भाग है। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर, ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कौन सी जल संधि है जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बोब अल मंडेव। ये जल संधि है, तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोब अल मंडेव जो जल संधि है किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है, और किससे जोड़ती है? अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन को लेकर थे, और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बारीकी से तो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ कौन सा देश है, ये सोमालिया देश है, यहाँ कौन सा जिबूती देश है, जिबूती में चाइना ने अपना अड्डा बनाया, सारी बातें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे फैक्ट्स से जानेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल से संबंधित है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन को बोल रहा हूं। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल से संबंधित है? सीएचएसएल में 2019 में आया था, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 269। तो देखते हैं कि आपातकाल के बारे में अगर बात की जाए, आपातकाल, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको केवल सॉल्यूशन में बता देता हूँ। आपातकाल जो है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ तीन आपातकालीन शक्तियाँ हैं, और उन्हीं तीन आपातकालीन शक्तियों में नंबर एक आ जाता है राष्ट्रीय आपात। उन्हीं तीन शक्तियों में आ जाता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी अनुच्छेद 352 ही है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, अनुच्छेद 352। अब ये राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात कब लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगाया कब कब जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात तीन बातों के आधार पर लगाया जा सकता है। एक बात तो ये है कि भारत पर कोई आक्रमण कर दे, तीन बात है, एक तो भारत पर कोई आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण, एक तो हो जाएगा बाह्य आक्रमण हो जाए, नंबर दो हो जाएगा कि भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाना, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाना, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने का मतलब है कि कोई भारत पर आक्रमण कर दे और भारत जवाबी कार्रवाई कर दे। तो ये तीन आधार हैं, इन तीनों आधारों के ऊपर के आधार पे क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। क्या राष्ट्रीय आपात केवल तीन ही आधार पर लगाया जा सकता है? बिल्कुल सही है, तीन आधार पर लगाया जा सकता है, लेकिन संविधान के अंदर छोटी सी गुंजाइश और छोड़ दी कि शक आशंकाओं के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। जरूर नहीं कि ये सारी चीजें हो तभी लगाया जा सकता है, कोई
शक और संभावना लगे तो भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, और क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे गलत नहीं है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात जो है, ये राष्ट्रीय आपात जब भी लगाया जाता तो भारत के अंदर लगाया जाता, आपने इतना सारा पढ़ा होगा, क्या राष्ट्रीय आपात किसी छोटे क्षेत्र में लगाया जा सकता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय आपात हरियाणा में लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात हरियाणा में भी बात कर ले तो क्या राष्ट्रीय आपात भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा सकता है, या भारत के अंदर कोई भी जिला होगा क्या किसी छोटे जिले के अंदर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपात पूरे भारत के अंदर लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात किसी छोटे से क्षेत्र के अंदर भी लगाया जा सकता है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। राष्ट्रीय आपात जो है तीन आधार पर लगाया जा सकता है। नंबर एक, हम बात करते हैं कि अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है, अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है, और कब कब तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है? एक 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा था, और 1962 में कौन सा राष्ट्रीय आपात लगा था? जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो चीनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगा था 1962 में। जब चीनी आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है ये उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। दूसरा 1971 के अंदर हुआ था, 1971 के अंदर जो हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 1971 के अंदर पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया था, इस पाकिस्तानी आक्रमण के कारण हुआ था, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो वीवी गिरी उस समय भारत का राष्ट्रपति था। वीवी गिरी क्या थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा आक्रमण कब हुआ था? तो 1975 के अंदर, जब आंतरिक असंतोष इंटरनल डिस्टरबेंस जो है उसके आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। फकरुद्दीन अली अहमद क्या थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो तीन बार ये भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है, कब कब लगा वो देख लिया। ये आंतरिक असंतोष है, 1973 के अंदर भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि गैर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और जो गैर कांग्रेस की सरकार आई थी उसमें मोरारजी देसाई क्या बने थे? मोरारजी देसाई भारत के उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, और मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा क्या कर दिया कि आंतरिक असंतोष शब्द को हटा दिया, और इसी के स्थान पर क्या कर दिया था, सशस्त्र विद्रोह जो है ये शब्द जोड़ दिया गया था। तो आंतरिक असंतोष के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ गया था। अब बात करते हैं, अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो एक महीने के अंदर, जब भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, एक महीने के अंदर क्या होगा कि संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर संसद से अनुमति नहीं ली तो एक महीने के बाद राष्ट्रीय आपात स्वतः खत्म हो जाएगा, और अगर संसद से अनुमति ले लेते हैं तो संसद की अनुमति के बाद एक बार में अधिकतम 6 महीने लगाया जा सकता है, एक बार में अधिकतम 6 महीने लगाया जा सकता है, और 6-6 महीने करके राष्ट्रीय आपात कितना लगाया जा सकता है, जैसे 6 महीने, और 6 महीने खत्म होने वाले हैं तब फिर संसद से अनुमति लेनी, तो अगले 6 महीने फिर संसद से अनुमति ले ली, 6-6 महीने, इस प्रकार 6-6 महीने कितना लगाया जा सकता है, ये अनंत तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात जो है 6-6 महीने करके अनंत समय तक लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। अब यहाँ से दो बातों को और जान लेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये टॉपिक ही अलग हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे। केवल दो बातें मोटी मोटी ध्यान रखनी है, विस्तार से मैं केवल आपको जब पॉलिटिकल पढ़ाएंगे तब जिक्र करेंगे, या कभी टॉपिक आएगा तब जिक्र करेगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 358, यह अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, या जहां राष्ट्रीय आपात लगता है, तो राष्ट्रीय आपात लगने पर
अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र करता है, अनुच्छेद 19 क्या है, निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। और किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, आपको पता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को आपने पढ़ रखा है, तो ये अनुच्छेद 19 क्या होगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर यही राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के तहत, 58 के तहत अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तब इसको राष्ट्रपति ने निलंबित करना पड़ेगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 ये 359 क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हैं, ये कभी निलंबित नहीं होंगे। ये क्या होंगे, ये निलंबित नहीं होंगे, ये हमेशा लागू रहेंगे। ये राष्ट्रीय आपात लगने के बाद ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 21 है, ये निलंबित नहीं होंगे। बाकी फिर चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। देखो हर्षवर्धन से रिलेटेड CHSL में, SSC में और MTS में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और HSC एक क्वेश्चन हमेशा यहां से लेती है हर्षवर्धन को लेकर। तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया, क्वेश्चन ये था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया, मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन दे रखे इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय, पुष्यमित्र और सिकंदर। तो किसने हराया था, बादामी का चालुक्य वंश था, बादामी का चालुक्य वंश का एक शासक था, और उस शासक का नाम था पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन सेकंड या पुलकेशियन द्वितीय। इसने इसको क्या किया था, पुलकेशियन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था, तो नदी का नाम था नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के किनारे इनके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब इनको लेकर अलग पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी के अंदर, कई किताब के अंदर भैया डेट भी आगे पीछे मिल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 606 को ही पढ़ेंगे। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन के राज्य की पहली जो राजधानी थी वो थानेसर थी, थानेसर हरियाणा में है। उस समय वो हरियाणा के अंदर तो था, लेकिन हरियाणा में जो अंबाला जिला था, इसके अंबाला जिले के अंदर वो भाग होता था, वर्तमान में कुरुक्षेत्र के अंदर ये चीज आ गई। इसकी दूसरी जो राजधानी थी वो कन्नौज राजधानी थी। हर्षवर्धन जो है महायान शाखा का अनुयायी हुआ करता था, महायान शाखा जो है इसका बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था हर्षवर्धन जो थे। इसकी अनेक किताबों के नाम भी आपने लिखा था, प्रियदर्शना, रत्नावली और नागानंद जो है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हर्षवर्धन के दरबार के अंदर एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री कौन सा आया था, अवेनसांग आया था। अवेनसांग के द्वारा सीयू की लिखी गई थी। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए हैं, जो आज वीडियो को पहली बार देख रहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन वीडियो को जरूर से जरूर देख ले, बहुत सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे, वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगे जो किताब के अंदर नहीं है, और आप आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। The End of Imagination, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन है सोबाडे, दूसरा ऑप्शन अरुंधति रॉय, तीसरा ऑप्शन अमिताभ घोष, चौथा ऑप्शन चेतन भगत। तो इस किताब के जो लेखक रहे हैं अरुंधति रॉय जो हैं, इस किताब के लेखक रही हैं। अरुंधति रॉय की एक महत्वपूर्ण किताब और है, और उस किताब के लिए इनको 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
इनकी किताब है और इसी किताब के लिए इनको बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था। इनकी एक और किताब और भी एग्जाम के अंदर आ जाती हैं और इनकी किताबों को आप अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, तो ये दो किताब इनकी महत्वपूर्ण रही है। ये अब पेपर के अंदर पूछी गई थी, ये अनेक पेपरों में पहले आगे भी पूछी जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सथल अवरुद्ध देश है? निम्नलिखित में से कौन सा सथल रुद्ध देश है? सलरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, या इसको हिंदी में एक और नाम भी मिल जाता है भू आवेष्टिक देश। ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा है। सथल अवरुद्ध का मतलब जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, जिसको सागर महासागर की सीमा टच नहीं करती। ऑप्शन में दे रखा टर्की, ऑप्शन में दे रखा इरिट्रिया, ऑप्शन दे रखा मंगोलिया, ऑप्शन है सीरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप देश है? आपको पीडीएफ नीचे लिंक दे दिया गया, उसमें मिल जाएगी। तो पीडीएफ में आप ये क्वेश्चन देख लेना, सॉल्यूशन में बताता हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मंगोलिया, मंगोलिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूआवेष्टिक देश है? तो उत्तर आ जाएगा इन चार ऑप्शन में मंगोलिया। मंगोलिया जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया महाद्वीप में चाइना और, जैसे आप यहाँ से भारत को इस प्रकार लगा लें और ये यहाँ तक पूरा बड़ा सारा इस प्रकार चाइना है और चाइना के ऊपर यहाँ रूस है, रूस और चाइना के बीच यहाँ पर एक देश स्थित है जिस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया अक्सर किताब के अंदर आ जाता है और किताब के अंदर क्या पेपर में पूछ लिया जाता है कि मंगोलिया देश की राजधानी कौन सी है, तो ये चीन है, ऊपर रूस है और मंगोलिया देश की राजधानी का नाम है उलानबटोर। उलानबटोर। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे जो वर्तमान के अंदर रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये जब गृह मंत्री हुआ करते थे पिछली योजना ने, तो इन्होंने मंगोलिया में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी राजनाथ सिंह पिछली योजना में, अब नहीं, अब तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और पिछली योजना के अंदर राजनाथ सिंह जो तेल वो गृह मंत्री थे, तो इन्होंने मंगोलिया में भारत के सहयोग से पहली तेल रिफाइनरी जो है उसका उद्घाटन भी किया था। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो भी उत्तर आ जाएगा मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले स्तर की पहली लोकसभा पर शुरू हुई, यानी पहले स्तर की पहली लोकसभा शुरू हुई 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1951, 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 को क्या थी, लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। लोकसभा का गठन पूछ लिया जाए तो 17 अप्रैल को हुआ था और 1952 के अंदर लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा के वर्तमान अगर स्पीकर की बात की जाए तो ओम बिड़ला है। अगर लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, तो वीरेंद्र सिंह खटिक जो है इनको 17वीं लोकसभा में क्या बनाया गया था, स्पीकर बनाया गया था। और भी बहुत सारे तथ्य होंगे, वर्तमान में 17 बार लोकसभा गठित हो चुकी है, कोई नहीं, हम इसको बहुत बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हमने 2-3 वीडियो में बहुत बार समझा भी दिया। अगला क्वेश्चन है कॉक शब्द। इस कॉक शब्द का संबंध किस खेल से है, लंबी कूद से है, वोट रेसिंग से, मुक्केबाजी से है, जेवलिन थ्रो से है? तो इसका संबंध है वोट रेसिंग से। अगला क्वेश्चन है चैल का हिल स्टेशन ये कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में थीमीथी त्योहार का सम्मान के में मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है, ये एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था 2019 में। ऑप्शन दे रखे पद्मावती, सीता, द्रौपदी, सूर्पणखा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा द्रौपदी। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा थीमीथा त्योहार तमिलनाडु के अंदर ये मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर थीमीथा त्योहार जो है इसका संबंध बताना था, तो द्रौपदी किसके सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, सीपीओएसआई का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था,
और क्वेश्चन क्या है कि मोरक्को यात्री है, मोरक्को, मोरक्को यात्री, और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था, निकोलोई राल्फिस इबन बतूता तसंगी, तो सबको उत्तर भी पता होगा इबन बतूता, गाना भी है इबन बतूता पैर में जूता, तो इबन बतूता कौन है, ये अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीका मोरक्को देश है। जिस प्रकार से आप अफ्रीका महाद्वीप को इस प्रकार से यहाँ से पढ़ लेंगे, मान लो किसी भी तरीके से इस प्रकार से, इसी अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक सागर महासागर स्थित है, और उस महासागर का यहाँ जो महासागर है उसका नाम है सागर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, इसी भूमध्य सागर में यहाँ एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है मोरक्को, मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को जो है इन दोनों के बीच कौन से जल संधि है, यानी भूमध्य सागर यहाँ है और यहाँ इस क्षेत्र में जो भी पानी भरा हुआ है उसे कहा जाता है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक हिंदी में इसे कहा जाता है अंद महासागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो है, इस भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो इनको जोड़ने का जो काम करता है वो है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किस किस के मध्य स्थित है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मोरक्को और स्पेन, स्पेन और मोरक्को जो हैं इन दोनों को अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, यही जिब्राल्टर जल संधि करती है। इसी मोरक्को से एक अफ्रीकी यात्री भारत आया था इबन बतूता, इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को कहाँ पर, चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अब मैं दो किताबों के नाम बता रहा हूं, एक किताब का नाम बता दूंगा और एक किताब का आपको लेखक बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इबन बतूता जो है, इबन बतूता इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रेहला, तो कई बार एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आ गया रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, इबन बतूता। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर कि सफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, सफरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, आपने इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले बता दूंगा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो सफरनामा एक किताब है, इस किताब का लेखक कौन है, और इबन बतूता की किताब पूछी जाए तो इबन बतूता की किताब का नाम है रेहला। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चेप्पू, क्वेश्चन है चेप्पू, चेप्पू का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, तो इसका क्या सांस्कृतिक प्रीत है, प्रतीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं भूटान म्यांमार चीन नेपाल, तो उत्तर आ जाएगा भूटान। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करना और कम से कम एक सब्सक्राइब, ज़्यादा नहीं, हर किसी को एक सब्सक्राइब के लिए मैं कह रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो धन्यवाद जी आज के लिए।